हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जुग जुग पीओ क्लब। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि ये मेरा पहला रिव्यू है मेरे चैनल का, एंड आई एम रियली एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस भी हूँ। तो गाइस, आप लोग का प्यार रहा तो खैर चैनल बहुत बड़ा बनेगा और मैं और अच्छे अच्छे बॉटलें आपके लिए लाऊंगा, बहुत सारे रिव्यूज लाऊंगा। तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं आज के रिव्यू पे। दोस्तों, आज जिस विस्की का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं वो वन ऑफ द टॉप सेलिंग विस्कीज है अक्रॉस द वर्ल्ड। आप तो खैर समझ ही गए हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया है, मैं बात कर रहा हूं जैक डेनियल्स की। यस गाइस, जैक डेनियल्स, इसे जेडी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आइए कुछ ऐसी रोचक बातें करेंगे जेडी के बारे में जो शायद आप लोग जानते हैं और शायद नहीं भी जानते हैं। जैक डेनियल का निर्माण किया था मिस्टर जैस्पर न्यूटन डेनियल ने, जिन्हें हम जैक डेनियल भी कहते हैं। आई थिंक जैक उनका एक तरीके से शॉर्ट नेम था। तो ये इसके निर्माता हैं जिन्होंने पहली बार इसको बनाया था। जैक डेनियल्स प्राइमरी जो है, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो कॉर्न से मिलके बना है। इसमें जो सबसे पहला कॉम्पोजिशन जो अबव 50% जो यूज हुआ है वो कॉर्न, भुट्टा, दूसरा है राई, तीसरा है बार्ली। और गाइज, इसे टेनेसी विस्की बोला जाता है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इसे टेनेसी क्यों बोला जाता है। दोस्तों, टेनेसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि टेनेसी एक स्टेट है अमेरिका में जहां इसका प्रोडक्शन होता है, और कोई बात नहीं है। टेनेसी का इसलिए साथ में इसके लगाया जाता है टू प्रमोट दैट प्लेस जहां पे इसका ओरिजिन है। लिंचबर्ग करके जगह है टेनेसी में जहां पे इसकी डिस्टिलरी है, जैक डेनियल्स डिस्टिलरी। एक और बहुत रोचक बात है कि जो वाटर यूज होता है इस पर्टिकुलर विस्की को बनाने के लिए वो टेनेसी के लोकल स्प्रिंग का वाटर होता है। यस गाइस, वहां के जो लोकल झरने हैं उनका पानी सोर्स करके इस विस्की को बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही इसे अलग डिस्टिंक्टिव फीचर देता है। और ऐसा बहुत रेयर ही आपने देखा होगा कि लोकल झरने का पानी उसको सोर्स करके बनाया गया प्रोडक्ट को। एक और बात बहुत हैरान करने वाली है वो ये कि टेनेसी एक ड्राई स्टेट है। यस गाइस, टेनेसी ड्राई स्टेट है, वहां पे अल्कोहल का सेल अलाउ नहीं है। तो ये एक बाय डिफॉल्ट एक बहुत शॉकिंग चीज है कि जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है वहीं पे इसका सेल नहीं होता है। और एक और मैं बात बता देना चाहूं कि बहुत सारे लोग इसको बर्बन विस्की से कंफ्यूज होते हैं। लोग लगता है ये बर्बन है, और कई बार ऐसा कंफ्यूज होना ऐसा बनता भी है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि बर्बन विस्की और ये टेनेसी विस्की जैक डेनियल्स, इसमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। और इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण सिमिलैरिटी ये है कि पहला तो ये कि ये अमेरिका में प्रोड्यूस होते हैं, तो बर्बन विस्की का स्टैंप लगने के लिए प्रोडक्शन अमेरिका में होना चाहिए, जो कि इसका होता है। दूसरा ये कि बर्बन विस्की में मेजॉरिटी जो सीरियल का यूज होना चाहिए वो कॉर्न, अबव 50% वो इसमें भी होता है। तो लेकिन स्टिल इसे हम बर्बन विस्की नहीं बोल सकते, और वो उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि इसे मैपल वुड चारकोल फिल्ट्रेशन से पास किया जाता है। अब आप बोलेंगे ये क्या है। गाइस, मैपल वुड को जो होता है उसको जला के जब उसका चारकोल बन जाता है तो उसको एक चिमनी में भरा जाता है, अब फिर विस्की को पास किया जाता है। विस्की उससे छन के फिल्टर होके नीचे कलेक्ट हो जाती है, उसमें एक अलग ही एक वुडिनेस आ जाता है, जो कि आपको मतलब ये चीज, ये पर्टिकुलर जो फीचर्स है वो आपको बर्बन में नहीं मिलता। बर्बन में इस प्रोसेस को नहीं करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर दिस टेनेसी विस्की, और यही इसको अलग करता है बर्बन से। तो खैर, बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं जरा नोजिंग पे और टेस्टिंग पे, देखते हैं क्या कमाल दिखाती है विस्की। बॉटल तो आप खैर देख रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स लुकिंग क्वाइट रिच। इसको थोड़ा पोर करते हैं। कलर मैं इसका बोलूं तो गोल्डन कलर है इसका, काफी अरोमा काफी यहां तक आ रहा है।
वनीला का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, एक ओकी वुड का मुझे बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है, हनी का इसमें फ्लेवर फ्रेग्रेंस आ रहा है और बहुत बहुत फ्रूटी है, बहुत फ्रूटीनेस है, मिठास है इसके अरोमा में एंड बहुत मेलोड है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, जरा सा भी मेरे को ऐसा अल्कोहल का मतलब वो एक जो आता है नोज पे वो ऐसा बिल्कुल भी पंच नहीं मिल रहा है मुझे। तो आइए गाइस समय ना बर्बाद करते हुए टेस्टिंग करते हैं। चीयर्स। अमेजिंग गाइस, जस्ट वन वर्ड, अमेजिंग। बहुत स्मूथ है, गले से एकदम नीचे आराम से गई, वो एक गर्माहट, एक वार्मनेस आया, सिनेमन का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, वुड बहुत अच्छा वुडीनेस है इसमें, जैसे मैं बोल रहा था ओकी और ओकी वुड का बहुत अच्छा फ्लेवर आया है, फ्रूट्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आया है, पूरा मेरा मुंह ऐसा लग रहा है पूरा फ्रूटी, एकदम फ्रूट्स एकदम लग रहे हैं उसमें, काफी स्वीट है इसका जो पैलेट टेस्ट है काफी स्वीट है। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दिस विस्की, अगर आपको पसंद है, अगर आप टेनेसी विस्की ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई करिए। मैं जानता हूं बहुत से लोग स्कॉच के दीवाने होते हैं, स्कॉच वाले हर कोई इसे प्रिफर नहीं करता, लेकिन स्टिल काफी अच्छा एक ये आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पैलेट को सूट करेगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर मुझे इसे रेट करना हो तो मैं इसको डेफिनेटली 10 में से 9 रेट करूंगा, मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगी ये विस्की। आप अगर ट्राई करते हैं तो आप बताइए कितना रेट करेंगे इसको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे मुंबई में ये इसका जो प्राइस है, ये हाफ बॉटल मैंने लिया है, ये हाफ बॉटल मुझे पड़ा है 1850 रुपए का, फुल बॉटल समवेयर 4.5 और 4600 ऐसे है। आपके स्टेट में कितना है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, और आप कौन से दूसरे प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना चाहते हैं प्लीज आप मेरे को बताइए गाइस, लाइक आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू रिव्यू दोज प्रोडक्ट्स। और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ, और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि मेरा चैनल और ग्रो कर सके, मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुग जुग पियो, बट स्टिल drink responsibly and please don't drink and drive. Cheers.